ज्योति जांगिड़, कौन सी क्लास में? 10th में, कितने परसेंटेज आए? 96%। किस किस प्रकार आपने पढ़ाई की? मैंने स्कूल के अलावा घर पे 7-8 घंटे मतलब सेल्फ स्टडी की। इसका श्रेय आप किसको देना चाहोगे? पहले तो स्कूल के सारे स्टाफ को, फिर माता पिता को, और मेरी बहन जो मुझे मतलब कोई परेशानी आती है तो वो बताती है साथ में, और बाकी सबको। सोशल मीडिया से कितना दूर रहे? वर्क सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, उसको दूर करके आपने 96% लगा दिए। हाँ, फोन तो घर पर रहता नहीं था, मतलब पढ़ाई के लिए यूज में लिया है, और तो ज्यादा लिया नहीं यूज में। आगे चलकर क्या बनना चाहेंगे? बोल भविष्य में डॉक्टर, हाँ, साइंस बायो लेके नीट करके और फिर डॉक्टर। आपका क्या नाम है? रिमझिम काला। कौन सी क्लास में कितने परसेंटेज अंक हासिल किए? क्लास 10th में 92%। आपने किस प्रकार पढ़ाई की? कितने घंटे पढ़ाई की आपने? 91 अंक हासिल किए। नॉर्मल हमें जो स्कूल में पढ़ाते थे वो पढ़ा, और उसके अलावा हमने घर पे आके सेल्फ स्टडी की, जितना हो सके उतना किया। लास्ट हमने नाइट टू 12 PM तक। क्या पढ़ाई के दौरान कोई परेशानी आई आपको? हाँ, हमें जो भी डाउट्स आते थे हमारे सर ने, डायरेक्टर सर ने हमारे लिए एक्स्ट्रा क्लासेस लगवाई थी, और एग्जाम्स के टाइम भी उन्होंने बोला था कि अगर कोई भी परेशानी हो तो कभी भी स्कूल में आ जाना, आपके लिए टीचर्स बुलाए जाएंगे, अवेलेबल होंगे। भविष्य में क्या और बनना चाहोगे? आगे जाके मैं UPSC की तैयारी करके IAS के लिए अप्लाई करूंगी। हमारे साथ और भी है। कौन सी क्लास में? 10th, कितने परसेंटेज आना चाहिए? 92। आपका नाम? कीर्तन स्टार। किस प्रकार आपने पढ़ाई की? स्कूल के अलावा आपने घर पर कितने घंटे पढ़ाई की? 6 से 7 घंटे स्कूल के अलावा पढ़ाई की। आप युवा हो, सोशल मीडिया से कितनी दूरी बनाए रखी आपने? सोशल मीडिया का हमने यूज, जब हमें कोई समझ नहीं आता था कोई टॉपिक, तो हमने यूज किया सोशल मीडिया का। आगे चलकर क्या बनना चाहिए? आगे चल के बैंक मैनेजर। हर वर्ष की बातें, इस बार भी अच्छा रिजल्ट रहा है, 100% परिणाम रहा है। बच्चों ने काफी मेहनत की है, और बच्चे काफी मेहनत करने के बाद एक बच्ची का 96% रही ज्योति जांगिड़ के, और तीन बच्चों का है जो 92% रही है। 100% परिणाम रहा अपना स्कूल का। विद्यालय में आप पाठ्यक्रम के अलावा बच्चों को क्या अलग से व्यवस्था उपलब्ध कराई जिससे कि परिणाम अच्छा रहा? बच्चों को अपन ने अलग से ये करवाया है कि बच्चों की जो भी समस्याएं थी ना, घर पे रिलेटेड हो या पढ़ाई संबंधित कोई भी समस्या हो, तो बच्चों को खुल के कहा गया था बेटा आपको जब भी कोई परेशानी हो, अभी हमें देखना कि एग्जाम का टाइमिंग है, कोई टीचर अवेलेबल नहीं होगा, आपको हर समय एनी टाइम हर सब्जेक्ट का टीचर आपको अवेलेबल मिलेगा, और अपने स्कूल में यहीं पे अवेलेबल मिल जाएंगे। आप आने से पहले कॉल कर दीजिएगा, जो आपको टीचर यहाँ पे मिल जाएगा, आपके समस्या का समाधान तुरंत हो जाएगा। आज के समय देखते हैं कि युवा सोशल मीडिया के साथ काफी नजदीक रहता है, रियल लाइफ में नजदीक है, रियल लाइफ में दिखता है, इसको क्या समझे? बिल्कुल, आपने सही कहा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को। रियल लाइफ और रियल लाइफ में काफी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। आज रियल लाइफ के अंदर युवा जोश ही जोश में अपने होश खो बैठते हैं, अपने संस्कृति का जो है, संस्कृति जो है, इसका मतलब खात्मा होता जा रहा धीरे धीरे। रियल लाइफ ही है कि रियल लाइफ में क्या है कि अपन 1-2-3 घंटे के लिए मूवी, कोई भी वीडियो देख लेते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, वो अपन को याद नहीं रहता कि अपन पहली वीडियो कौन सी देखी है। फिर रियल लाइफ में क्या है, रियल लाइफ में यह है कि हर कदम पे अपन को चुनौती का सामना करने का हौसला मिलता है। तो अपन को रियल लाइफ को छोड़ कर रियल लाइफ में ही इंटरेस्ट लेना चाहिए और इसी पे फोकस करना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश देना चाहते? युवाओं को यही संदेश देना चाहते हैं कि आपके जो प्रथम गुरु है वो अपने माता पिता है, आप अपने माता पिता के अटैच में रहें, आप उनका हर प्रकार से आप उनके आज्ञा का पालन करें, वो आपके भविष्य के बारे में ही आपसे जो भी क्वेश्चन करते हैं आपके भविष्य के अकॉर्डिंग को लेके ही आपसे क्वेश्चन करते हैं, और आप उनसे जुड़े रहें। आपके दूसरे जो गुरु है, जो है स्कूल के जो गुरुजन वगैरह है, वो आपके दूसरे गुरु है। ये दो ही शख्स ऐसे हैं, आपके माता पिता और आपके गुरुजन, जो आपका हमेशा भला सोचने को लेकर आपके लिए तत्पर तैयार रहेंगे। देखिए, संस्था की नींव तो क्या, हमारे जो डायरेक्टर सर है श्रीमान कैलाश चंद जी पिताजी है, उन्होंने रखी थी शुरुआत में 2002 में, जब 6 कमरों से स्टार्टिंग किया था पिताजी ने, और स्टार्टिंग में जब शुरू हुआ था तब अपने पास 6 कमरे थे। आज सर के, हमारे पिताजी के व्यवहार से, प्लस कॉलोनी के व्यवहार से, और अपने यहाँ बच्चों का रिजल्ट के वजह से आज अपन ग्रोथ में है, और सर के मेहनत को देखते हुए सर के एक और ब्रांच है ओम किड्स एकेडमी, जो बागरोटा क्षेत्र में पड़ती है, सांगानेर विधानसभा में।